Today is relating to my workplace. I work in main city London. Women around the area wear such short clothing and it's very hard to keep the eye off. You look another way, you see one, you look the other, you see another. ये लंदन ही में नहीं है ये मसाइल, हमारे बाबुल मदीना में भी अब हो गए हैं और दुनिया में तकरीबन हर जगह, हत्ता के मक्के मदीने में भी आज के सीज़न में भी बिलखसूस औरतों की भरमार और मार भर होती है। शॉपिंग सेंटर इनसे पटे पड़े हैं, बल्कि हरम शरीफ में औरतें ही औरतें भरी पड़ी होती हैं, सही में औरतें, तवाब में औरतें टकरा टकरा कर गुजर जाती हैं, धक्कम पील करके गुजरती हैं, हत्ता के हजर असवद चूमने पर भी झपटती हैं, मुल्तजम पर झपटा मारेंगी, जो इनकी समझ में आता करती है, बिल्कुल बेबाक हो गई हैं। असल मुसीबत ये है, पहले औरत ना, हमने अपने दौर में लड़कपन में मैंने देखा है कि औरतें काफ़ी शर्मोया होती थी, अब बहुत एडवांस हो गई है। उन दिनों जैसे कि अपने बच्चों के अब्बू का वो ये नहीं बोलती थी कि मेरे शोहर, मैं जो मेरा वास्ता पड़ा ना, कि बोलती थी आपके भाई ने बोला, आपके भाई ने बोला, अब बोलता मेरे हस्बैंड ने बोला, बिल्कुल बेबाकी से बोलती है। यानी कि अगर ज़रूरत में नाम पूछो तो शर्माती थी अपने शोहर का नाम लेते हुए। यहाँ तक कि किसी ने इनके लिए कोई लतीफ़ा चुटकुला गढ़ दिया, ऐसा इनको जहन बना दिया होगा किसी ने कि शोहर का नाम लेने से तलाक हो जाती है, निकाह टूट जाता है शोहर का नाम लेने से। तो एक लतीफ़ा यूं किसी ने गढ़ा कि एक औरत थी, अब उसके बच्चों के अब्बू का नाम रहमतुल्ला था, अब वो नमाज में सलाम इस तरह फेरती क्योंकि वो अगर रहमतुल्ला नाम लेती है तो बच्चे वो निकाह टूटता है, तो वो इस तरह अस्सलामु अलैकुम मुन्ने के अब्बू, अस्सलामु अलैकुम मुन्ने के अब्बू, ये मतलब चुटकुला बनाया किसी ने। इन्हें औरतों में ये हया का एक मतलब उनसुर इतना था, अगर ये शोहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता, नाजायज़ भी नहीं है, लेकिन हया जितनी हो इतनी अच्छी है। पहले ये था जब भी तो चुटकुला गढ़ा किसी ने, और अब तो वो झूठ में नाम भी लेती है नाम, बल्कि अब तो हया का तो धूमधाम से जनाजा यूं उठा है कि अपने नाम के साथ बेचारा बाप जिसने पाल पोस के बड़ा किया उसका नाम नहीं लेती, अपने नाम के साथ मिसिस लगाकर उस अपने शोहर का नाम लेती है, मिसिस जैद, मिसिस बकर, मिसिस इकबाल, है ना, मिसिस करके नाम लेती है। ये अल्लाह की बंदियाँ इतनी नहीं सोचती, इतना नहीं सोचती कि इकबाल भाई ने 1 2 3 कर दिया जिस दिन, अब क्या बोलेगी, अब आना पड़ेगा नाक कटवा के बाप के कदमों में, तो फिर बोलेगी डॉक्टर ऑफ हाजी इस्माइल, अब अपना बाप याद आएगा। मगर अब तो वो मिसिस इकबाल मशहूर हो गई, मिसिस जैद बकर अमर मशहूर हो गई ना, तो अब इसके लिए कितना प्रॉब्लम होगा, अपने बाप के पास रहो, शादी करवा दी, इसका मतलब आपको वो घर से नहीं निकाल दिया, अपने बाप का बिनते डॉक्टर ऑफ, तो ये मतलब ईसाई बहनों का, मैं ये इसको भी नाजायज नहीं बोलता, लेकिन ये बिल्कुल झिझकती नहीं है, बिला झिझक शोहर को नाम लेकर बुलाती। मगर मैंने अपना जो दौर देखा बचपन का, लड़कपन का, यार वो ऐसा नहीं होता था जैसा अब, इन्हें जूं जूं मतलब दूरी होती जा रही है, बिल्कुल औरत की जबान जो है वो उसकी लगाम ढीली होती जा रही है, और मर्द और औरत अब शाना बशाना चलने की बातें कर रहे हैं, मर्द बेहया हो गया, माजल्ला गैर मतकुल्ला मेरी वाइफ से मिली है, और अगला हाथ मिलाता है बोलता है आपसे मिलकर बड़ी खुशी, ये बेहया डूब नहीं मरता, बेगैरत दयूस कहीं का, जी हाँ मैं गाली नहीं दे रहा, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं दयूस, कि जो ये इस बात की परवाह नहीं करता कि इसकी औरत किससे मिल रही है, ये दयूस है, ये दयूस दांत निकाल के हंसता है हे 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 करके, और गैर मर्द उसकी बीवी से हाथ मिला रहा है कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इतना दूर निकल गया ये आज का मुसलमान, अफसोस 7 करोड़ अफसोस। औरत के लफ्जी माना छुपाने की चीज़।
को तू मुत्तकी बना।